क्लासेस वीडियो के अंदर हम आपका आर्गेनियस इक्वेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन आर्गेनियस इक्वेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन डिस्कस करूंगी। रेट लॉ का एक्सप्रेशन आपका क्या कहता है? रेट लॉ का एक्सप्रेशन कहता है किसी भी रिएक्शन का रेट, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, वो किसके बराबर होता है आपका? वो बराबर होता है आपका रेट कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैपिटल आर, ठीक है, उसकी पावर आपकी स्मॉल एन। और स्मॉल एन आपका क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ये आपका क्या होता है? रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये आपकी दो चीजों पर डिपेंड करता है। वो आपका एक तो रेट कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करता है और दूसरा आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर हम आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है आपकी, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रही है और रेट ऑफ द रिएक्शन रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली एक तो रेट कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करती है और आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो इन दोनों में से ही कोई एक टर्म आपकी क्या हो रही होगी? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो रही होगी। उसी की वजह से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये कह रही हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन स्मॉल आर आपकी इंक्रीज कर रही है, तो जरूर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या तो रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो रहा होगा या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन स्मॉल आर आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब आंसर इसका क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज होता है या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो टेम्परेचर का आपका टेम्परेचर में इंक्रीज जो होता है आपका, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आपका इंक्रीज नहीं कर सकता, वो आपका जो इंक्रीज करता है वो आपका रेट कॉन्स्टेंट को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर जाती है। तो हम कहते हैं आपका कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज किया है, वो क्यों इंक्रीज किया है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कॉन्स्टेंट आपका इंक्रीज कर गया है, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी इंक्रीज कर गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका रेट कॉन्स्टेंट के इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी इंक्रीज कर जाती है। यही हमारा आपका बना, ठीक है। तो अब ये जो आर्गेनियस इक्वेशन है वो आपकी क्या है? आर्गेनियस इक्वेशन आपका एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन द रेट कॉन्स्टेंट एंड द टेम्परेचर। तो यानी कि किसी भी रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर को रिलेट करने वाला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो आपका होता है आर्गेनियस इक्वेशन। तो आर्गेनियस इक्वेशन आपका ये बताता है कि कैसे रेट कॉन्स्टेंट आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि कैसे आपका रेट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में इंक्रीज होने के साथ आपका इंक्रीज होता है। तो वो जो वेरिएशन है रेट कॉन्स्टेंट का टेम्परेचर के साथ, वो आपका कौन सी इक्वेशन देती है? वो आपका आर्गेनियस इक्वेशन देती है। तो अब हम आपका आर्गेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे कि कैसे आपका रेट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन आपका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो अब हम आपका आर्गेनियस इक्वेशन लिखेंगे। आर्गेनियस इक्वेशन होती है आपकी रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल्स में आपका कैपिटल ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, जहां पर ये जो स्मॉल के है ये आपका रेट कॉन्स्टेंट है और ये जो कैपिटल है ए है, इसको हम आपका बोलते हैं आर्गेनियस फैक्टर। या फिर हम इसे आपका बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर हम इसे बोलते हैं आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, और ये जो स्मॉल ये जो ई ए है आपका, यानी कि जो आपका कैपिटल ई और सबस्क्रिप्ट में ए लिखा हुआ है, ये वाला सिंबल आपका है एक्टिवेशन एनर्जी का। क्या
कैपिटल आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और कैपिटल टी आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल में होता है कैपिटल ए, जिसे हम आर्गिनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां पर ये जो ई ए है ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, कैपिटल आर आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, और टेम्परेचर जो है आपका वो कैपिटल टी से आपका डिनोट किया गया है। यहाँ पर टेम्परेचर को हम कैल्विन में लेते हैं, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल्स पर कैल्विन पर मोल लेते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम आपका जूल्स में लेते हैं, क्लियर। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखूं तो हम आपका देख सकते हैं कि आर्गेनियस इक्वेशन क्या है। आर्गेनियस इक्वेशन है रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू कैपिटल ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब ये जो कैपिटल ए है ये आपका क्या है, ये कैपिटल ए एक्चुअल में कॉन्स्टेंट है, जिसे हम आपका बोलते हैं आर्गेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आपकी आर्गेनियस इक्वेशन। अब अगर हम इस आर्गेनियस इक्वेशन से आपका जज करना चाहें कि कैसे टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट चेंज होगा, ये अब हम आपका देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इस रेशो का डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, अगर इस रेशो का डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो ये रेशो आपकी कम हो जाएगी, है ना। और क्योंकि इस रेशो के आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये रेशो नेगेटिव में कम होती जाएगी, अगर नेगेटिव में कोई चीज़ कम होती जाती है तो एक्चुअल में वो चीज़ बढ़ जाती है, तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये जो पूरा फैक्टर है माइनस ई ए बाय आर टी आपका बढ़ने लग जाएगा, और अगर ये आपका बढ़ेगा तो आपका रेट कॉन्स्टेंट भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका रेट कॉन्स्टेंट आपका इंक्रीज करता है, क्लियर। अब हम आपका इसको लेकर के आगे हम फर्दर डेरिवेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका इस कैपिटल ए पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया ये कैपिटल ए एक तरीके का कांस्टेंट है, जिसे हम आपका बोलते हैं आर्गेनियस फैक्टर। इसको हम आर्गेनियस फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आर्गेनियस इक्वेशन का फैक्टर है, इसलिए हम इसे आर्गेनियस फैक्टर बोलते हैं। अब इसको हम आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल ए का दूसरा नाम आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। तो वो क्यों है आपका, वो इसलिए है कि अगर मैं आपका ये आर्गेनियस इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखूं तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट आएगा वो आपका क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आएगा, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की का जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी जो यूनिट्स होती हैं वो आपकी क्या होती है, टाइम इनवर्स की यूनिट होती है आपकी, है ना। और जो आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वही आपकी कैपिटल ए की यूनिट होगी, क्योंकि हमें पता है ई की पावर में आपका कोई भी अगर नंबर होता है तो वो वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ई की पावर वाली जो भी क्वांटिटी होती है वो हमेशा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो ये पूरा पार्ट आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, यानी कि इस पूरे पार्ट की आपकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट है वो आपकी कैपिटल ए की यूनिट हो जाएगी, और अगर रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो ये रेट कांस्टेंट आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है टाइम इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल ए की यूनिट भी क्या हो जाएगी, टाइम इनवर्स की यूनिट हो जाएगी, और टाइम इनवर्स किसका फॉर्मूला होता है, आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम, है ना। तो टाइम इनवर्स क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब कैपिटल ए की जो यूनिट्स हैं वो आपकी टाइम इनवर्स की यूनिट हो गई है, और टाइम इनवर्स आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम आपका कैपिटल ए को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी आपका बोलते हैं, क्योंकि कैपिटल ए की जो यूनिट है आपकी वो आपकी टाइम इनवर्स की यूनिट होती है, जो कि आपकी एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड करती है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो इस वजह से इस कैपिटल ए को हम आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी आपका बोलते हैं, ठीक है। तीसरा नाम जो इस कैपिटल ए का है वो आपका है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इस कैपिटल ए को हम आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पहले आने वाला फैक्टर, उसे हम आपका क्या बोलेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपका कौन सा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये ना,
ये आपका एक्सपोनेंशियल वेक्टर है, तो इस एक्सपोनेंशियल वेक्टर से पहले आने वाला वेक्टर कौन सा है, वो कैपिटल ए है, तो इस कैपिटल ए को मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो इस कैपिटल ए के तीनों नाम हमने आपका डिस्कस कर लिए हैं। ये कैपिटल ए आपका एक कॉन्स्टेंट होता है, इसको हम आपका आर्गनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपका कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आपका इस आर्गनियस इक्वेशन को लेकर के आपका फर्दर कुछ इक्वेशन है उनका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम आपका आर्गनियस इक्वेशन को लेकर के आगे कुछ फर्दर इक्वेशन है जिनका हम आपका डेरिवेशन करेंगे। तो अब हम आपका आर्गनियस इक्वेशन लिखेंगे। आर्गनियस इक्वेशन क्या है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल में है कैपिटल ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये मेरी है आर्गनियस इक्वेशन जिसे मैंने आपका इक्वेशन नंबर वन मान लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग लूंगी। ठीक है, तो जब मैं आपका दोनों तरफ नेचुरल लॉग लूंगी तो ये हो जाएगा एल एन के इज इक्वल में हो जाएगा नेचुरल लॉग ब्रैकेट में कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर, ये आपका आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इस कैपिटल ए को स्मॉल ए कंसीडर कर लूं और इस ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी को बी कंसीडर कर दूं, तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है किसका, नेचुरल लॉग ब्रैकेट में आपका ए इंटू बी का आपका फॉर्मूला लग सकता है। हमें पता है नेचुरल लॉग स्मॉल a इंटू बी किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b के बराबर होता है। और यहाँ पर भी आपका नेचुरल लॉग स्मॉल a इंटू स्मॉल b है आपका, जहां पर स्मॉल a आपका कैपिटल a के बराबर है और स्मॉल b आपका e रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा नेचुरल लॉग a स्मॉल a इंटू स्मॉल b का, वो आपका किसके बराबर है, वो आपका बराबर है नेचुरल लॉग ब्रैकेट में स्मॉल a इंटू स्मॉल b आपका किसके बराबर है, नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b के बराबर है। तो यहाँ पर अब मैं आपका फॉर्मूला लगा दूंगी आपका, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग स्मॉल a इंटू b आपका किसके बराबर हो जाएगा, नेचुरल लॉग a स्मॉल a, तो स्मॉल a आपका किसके बराबर है, कैपिटल a के बराबर है, तो नेचुरल लॉग मैंने कैपिटल a लिख दिया। प्लस मुझे अब नेचुरल लॉग स्मॉल b लिखना पड़ेगा, स्मॉल b आपका किसके बराबर है, वो e रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी के बराबर है, तो वो मैं आपका अब लिखूंगी। तो ये आ गया नेचुरल लॉग e रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये कैपिटल a मेरा हो गया स्मॉल a और ये मेरा हो गया स्मॉल b, तो नेचुरल लॉग a डॉट b का जो फॉर्मूला था वो आपका क्या आ गया, नेचुरल लॉग स्मॉल a प्लस नेचुरल लॉग स्मॉल b। ठीक है, तो ये हमने आपका फॉर्मूला लगा दिया, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, और ये वाला नेचुरल लॉग के मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, अब हमारा एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है आपका नेचुरल लॉग ई रेस टू द पावर एक्स हमेशा किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम आपका यूज करेंगे। सबसे पहले मैं नेचुरल लॉग के को एज इट इज कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, नेचुरल लॉग कैपिटल ए को भी मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, प्लस अब नेचुरल लॉग ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी में आपका फॉर्मूला लग सकता है नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स का। ठीक है, जहां पर नेचुरल लॉग ये ई की पावर ये जो है आपकी ये मेरी क्या हो गई, ये एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ई रेस टू द पावर स्मॉल एक्स का आपका यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है, जहां पर एक्स किसके बराबर है आपका माइनस ई ए बाय आर टी के बराबर है। और हमें पता है नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। और ये भी आपका है नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। और एक्स आपका क्या है, माइनस ई ए बाय आर टी है, तो ये मेरा किसके बराबर आ गया, ये मेरा आ गया माइनस ई ए बाय आर टी के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। नेचुरल लॉग के इज इक्वल में क्या आ गया, नेचुरल लॉग कैपिटल ए
ये वाला माइनस इस प्लस के साथ जाकर के माइनस हो गया, ये हो गया माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं आपका इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि मैं माइनस ई ए बाय आर टी को पहले लिख दूं और नेचुरल ए को बाद में लिख दूं। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसे नेचुरल लॉग के इज इक्वल में है माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस नेचुरल लॉग कैपिटल ए। ये मैं लिख सकती हूँ आपका, मैंने माइनस ई ए अपॉन आर टी पहले लिख दिया और नेचुरल लॉग ए आपका बाद में लिख दिया। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा से आपका कॉपी करूंगी। ठीक है, दोबारा से इस इक्वेशन को मैं कॉपी करती हूँ। अब इस इक्वेशन को दोबारा से कॉपी करके मैं इसे यहां लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग के इज इक्वल में है माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस नेचुरल लॉग कैपिटल ए। ठीक है, अब हम आपका इस इक्वेशन के अंदर आपका एक फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है नेचुरल लॉग एक्स किसके बराबर होता है, वो आपका 2.303 इंटू लॉग एक्स के बराबर होता है। तो नेचुरल लॉग के और नेचुरल लॉग ए किसके बराबर होगा, नेचुरल लॉग के बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली नेचुरल लॉग ए आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2.303 इंटू लॉग कैपिटल ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेचुरल लॉग के की जगह पर 2.303 इंटू लॉग के लिखेंगे और नेचुरल लॉग कैपिटल ए की जगह पर 2.303 इंटू लॉग कैपिटल ए लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं नेचुरल लॉग के की जगह पर आपका लिखूंगी 2.303 इंटू लॉग के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, प्लस नेचुरल लॉग के, नेचुरल लॉग ए की जगह हम क्या लिखेंगे 2.303 इंटू लॉग लॉग कैपिटल ए। तो हम लिखेंगे 2.303 इंटू लॉग कैपिटल ए लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आपका पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे। जब हम पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी 2.303 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स को 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले मैंने फर्स्ट वाली टर्म को 2.303 से डिवाइड किया, फिर मैं आपका सेकंड वाली टर्म को 2.303 से डिवाइड कर रही हूँ। तो ऐसा करने से ये वाला 2.303 और ये वाला 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला 2.303 और ये वाला 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी इक्वेशन क्या बच जाएगी, लॉग के इज इक्वल में है माइनस कैपिटल ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग कैपिटल ए के बराबर हो जाएगी, है ना। ये आ गया आपका इक्वेशन। अब आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन होती है। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये आपकी स्ट्रेट लाइन को आपका फॉलो कर रही है। तो इसे मैंने आपका इक्वेशन नंबर आपका 2 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इसमें y क्या है, y आपका है log k। ये log k अगर मैं आपका y एक्सिस पर प्लॉट करूं और 1 अपॉन t को अगर मैं आपका x एक्सिस पर प्लॉट करूं तो 1 अपॉन t आपका x हो जाएगा और log k आपका y हो जाएगा। और हमें पता है x के साथ वाला जो टर्म होता है वो m यानी कि स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का। तो x मेरा यहाँ पर क्या है, वो आपका 1 अपॉन t है। तो 1 अपॉन t के जो साथ ये वाला टर्म है आपका, ये मेरा क्या होगा, स्मॉल m यानी कि आपका स्लोप के बराबर होगा स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो आपका किसके बराबर होगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर होगा। ठीक है, प्लस अगर हम प्लस के बाद वाली टर्म को कंपेयर करें तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू एम एक्स के बाद प्लस क्या आता है, आपका c होता है और c आपका क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है। और यहाँ पर अगर हम आपका देखें तो x आपका 1 अपॉन t है, तो ये हो गया y, ये हो गया मेरा एम एक्स वाला टर्म आपका, तो प्लस ये क्या हो जाएगा आपका c वाला टर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये log a आपका क्या है, c, यानी कि आपका ये इंटरसेप्ट है आपका स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो log a है ये एक्चुअल में आपका क्या है, ये आपका log a आपका c है, यानी कि आपका इंटरसेप्ट है स्ट्रेट लाइन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा
वो माइनस ई अपॉन 2.303 आर होगा, और जो मेरी स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, वो मेरा लॉग ए के बराबर होगा। तो क्योंकि मेरी स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट आपका लॉग ए के बराबर है और वो जीरो नहीं है आपका, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन मेरी आपकी ओरिजिन से पास नहीं करेगी, ठीक है। और क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है, आप देख सकते हो स्लोप आपका क्या आ रहा है, माइनस ई अपॉन 2.303 आर आ रहा है। तो क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन होगी वो मेरी डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगी, यानी कि अगर हम आपका वाई वर्सेस एक्स का प्लॉट करेंगे तो ये इस स्ट्रेट लाइन का ट्रेंड आपका इस तरीके से आएगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएगी, ठीक है। तो अब हम आपका इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर y एक्सिस पे क्या प्लॉट करना था, लॉग k प्लॉट करना था। तो y एक्सिस पर हमने आपका लॉग k प्लॉट कर दिया और x एक्सिस पर मुझे क्या प्लॉट करना था, 1 अपॉन t प्लॉट करना था। तो x एक्सिस पे मैंने 1 अपॉन t प्लॉट कर दिया आपका, ठीक है। और ऐसा करने पर जो क्योंकि ये मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और इस स्ट्रेट लाइन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या, एक तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी ओरिजिन से पास नहीं हो रही क्योंकि इसका इंटरसेप्ट जीरो नहीं है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस स्ट्रेट लाइन का आपका क्या है कि ये आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगी क्योंकि इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है आपका, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगी, यानी कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगी, प्लस इसका इंटरसेप्ट भी जीरो नहीं होगा। तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनी है वाई वर्सेज एक्स की, ये इस तरीके से डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएगी क्योंकि इसका जो स्लोप है वो आपका किसके बराबर होगा, वो माइनस ई अपॉन 2.303 के बराबर होगा। तो ये माइनस ई अपॉन 2.303 आर के आपका बराबर होगा, ठीक है। प्लस इस जो स्ट्रेट लाइन है आपका, इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट आपका किसके बराबर है, आपका लॉग ए के बराबर है। आप देख सकते हो इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट हमारा किसके बराबर आ रहा है, लॉग ए के बराबर आ रहा है। और इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम आपका क्या करते हैं, इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम आपकी स्ट्रेट लाइन को बैकवर्डली एक्सटेंड करते हैं, और जिस पॉइंट पर आपकी ये स्ट्रेट लाइन आपकी वाई एक्सिस को मीट करती है यानी कि कट करती है वो आपका क्या हो जाता है, आपका इंटरसेप्ट हो जाता है। तो यानी कि ये आपका ये जो होगा ये आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, जो कि किसके बराबर होगा, आपका लॉग कैपिटल ए के बराबर होगा क्योंकि लॉग कैपिटल ए आपका क्या है, इंटरसेप्ट आपका स्ट्रेट लाइन का। तो इससे हमें यह पता लगता है कि अगर मुझे अलग अलग टेम्परेचर पर मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता हो तो मैं लॉग के की वैल्यू निकाल सकती हूँ अलग अलग टेम्परेचर पर, और क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर की भी वैल्यू मुझे पता है तो मैं 1 अपॉन टी कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ पर कैपिटल टी आपका क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर मैं 1 अपॉन टी वर्सेज लॉग के का आपका ग्राफ प्लॉट करूँ तो आपका इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये आपका स्ट्रेट लाइन विद द डिक्रीजिंग ट्रेंड आएगी और इसका जो स्लोप होगा वो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर होगा। तो अगर मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पर पता है तो मैं लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी का ग्राफ प्लॉट करूंगी और उसके स्लोप की हेल्प से मैं आपका एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, ये स्लोप आपका किसके बराबर होगा, माइनस ई अपॉन 2.303 आर के बराबर होगा। तो अगर मैं स्लोप को 2.303 इंटू आर से आपका मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको कैपिटल आर की वैल्यू आपको 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल लेनी होती है और एक्टिवेशन एनर्जी आपकी जूल्स में आती है और टेम्परेचर को आप केल्विन में लेते हैं, ठीक है, इन केल्विन लेते हैं, क्लियर। तो इसके अंदर अब आपको तो अब हमारा ये वाला पार्ट हो गया आपका। अब हम आपका दूसरी एक और इक्वेशन आपकी डिराइव करेंगे। तो एक हमने इक्वेशन नंबर 1 स्टार्ट से स्टार्ट किया और मैं इक्वेशन नंबर मैंने 2 आपकी डिराइव कर ली इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 से आपकी एक इक्वेशन नंबर 3 डिराइव करूंगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 की यूटिलिटी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 की यूटिलिटी ये है कि अगर हम लॉग के वर्सेज 1 अपॉन टी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप स्लोप की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो और इंटरसेप्ट की हेल्प से आप आर्हीनियस फैक्टर यानी कि आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैपिटल ए को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन की यूटिलिटी। अब हम आपका थर्ड इक्वेशन आपका डिराइव करेंगे, ठीक है।
तो अब हम आपका थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए जो मेरी स्टार्टिंग इक्वेशन होगी वो मेरी सेकंड वाली इक्वेशन होगी। तो सेकंड वाली इक्वेशन को मैं यहाँ कॉपी कर रही हूँ। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, लॉग के इज इक्वल्स में है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। ये मेरी है आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम आपका इस सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम आपका क्या देखेंगे, सपोज करो आपका टेम्परेचर T1 पर, टेम्परेचर जब आपका T1 था तब आपका रेट कांस्टेंट K1 था, और जब आपका टेम्परेचर T2 हो गया तो आपका रेट कांस्टेंट भी क्या हो गया, K2 हो गया। तो एक ही मेरी रिएक्शन थी, ठीक है। उस रिएक्शन में जब आपका टेम्परेचर T1 था तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 था, और जब उस रिएक्शन का टेम्परेचर T2 हो गया तो अब उसका रेट कांस्टेंट भी चेंज होकर आपका क्या हो गया, K2 हो गया। तो कहने का मतलब ये है T1 टेम्परेचर पर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, और T2 टेम्परेचर पर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपका K2 है, ठीक है। तो अब मैं आपका T1 टेम्परेचर पर जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, इस डेटा को मैं आपका पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो ये पहला वाला डेटा मैं आपका पहले पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मैं जहां जहां पर इक्वेशन नंबर 2 में टेम्परेचर आ रहा होगा उसकी जगह पर मैं T1 लिखूंगी, और जहां जहां पर इस इक्वेशन के अंदर आपका रेट कांस्टेंट K आ रहा होगा उसकी जगह पर मैं आपका K1 लिखूंगी। तो अब मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को मॉडिफाई करूंगी ताकि मैं इस डेटा को आपका पुट कर सकूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log k की जगह पे क्या आ जाएगा, log k1 इज इक्वल्स में है आपका आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये टेम्परेचर टी है, इस टेम्परेचर टी की जगह पे हम T1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस log कैपिटल A। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर आपका 3, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर आपका इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अब मैं आपका ये वाला डेटा आपका पुट करूंगी, यानी कि मैं आपका ये वाला डेटा पुट करूंगी जिसके अंदर आपका टेम्परेचर T2 है और रेट कांस्टेंट आपका K2 है। तो जहां जहां पर आपका इस इक्वेशन नंबर 2 में टेम्परेचर कैपिटल T आ रहा है वहां पर मैं आपका T2 लिखूंगी, और जहां जहां पर इस इक्वेशन के अंदर आपका रेट कांस्टेंट K आ रहा है उसकी जगह पर मैं आपका K2 लिखूंगी, ठीक है। तो अब मैं आपका यहाँ पर पुट कर रही हूँ ये वाले डेटा को इस इक्वेशन के अंदर। तो log k की जगह पे हम आपका क्या आ जाएगा, log k2 आ जाएगा, क्योंकि मैं आपका ये वाला डेटा पुट कर रही हूँ जहां पर रेट कांस्टेंट आपका क्या है, k2 है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। अब टेम्परेचर आपका क्या है, T2 है, तो इस टेम्परेचर T की जगह पे मैं आपका T2 पुट करूंगी, प्लस log ये आपका एज इट इज। तो ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर आपका 4th, ठीक है। तो अब मैं आपका नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करूंगी, मैं इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करूंगी इक्वेशन 3 से। अब मैं आपका करूंगी इक्वेशन नंबर 4 माइनस 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 को मैं माइनस करूंगी 4 से। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया आपको, इक्वेशन नंबर 4 को हम 3 से माइनस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम आपका इक्वेशन नंबर 3 को 4 में से माइनस कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में से मैं आपका 3 थर्ड वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगी। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 4th माइनस इक्वेशन नंबर 3 करूंगी तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी, फिर माइनस करके मैं आपका इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी, फिर मैं आपका इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड लिखूंगी, फिर माइनस करके मैं इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी, ठीक है। तो मैं 4 माइनस 3 कर रही हूँ आपका। तो इक्वेशन नंबर 4 माइनस 3 करने पर पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है, तो मेरा हो गया ये log k2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड है log k1, तो ये हो गया k2, ये log k2 माइनस log k1 इज इक्वल में है। इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड ये वाली है, ये है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 प्लस log a, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4 की
राइट हैंड साइड. अब हम इक्वेशन नंबर थ्री की राइट हैंड साइड लिखेंगे. ठीक है, तो अब हम इक्वेशन नंबर थ्री की राइट हैंड साइड लिख रहे हैं माइनस करके. सो माइनस करके अब मैं इक्वेशन नंबर थ्री की राइट हैंड साइड लिखूंगी, वो है आपकी माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन प्लस लॉग ए. ठीक है, ये आपका आ गया. अब मैं आपका फॉर्मूला लगाऊंगी. ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ रहा है लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना. और हमें पता है लॉग ए माइनस लॉग बी किसके बराबर होता है, लॉग ए अपॉन बी के बराबर होता है. तो लॉग के टू माइनस लॉग के वन किसके बराबर होगा, तो लॉग के टू माइनस लॉग के वन आपका बराबर होगा लॉग के टू अपॉन के वन के बराबर होगा. ठीक है, तो ए की जगह हमने ए लिख दिया, बी की जगह हमने बी लिख दिया. ठीक है, स्मॉल ए आपका था के टू, स्मॉल बी था आपका के वन. तो आंसर होगा इसका लॉग ए माइनस लॉग बी का लॉग ए अपॉन बी. तो ए क्योंकि स्मॉल ए मेरा के टू है तो मैं लिखूंगी लॉग के टू, और के वन मेरा आपका बी है तो मैं लिखूंगी लॉग के टू अपॉन के वन. ठीक है, तो लॉग के टू माइनस लॉग के वन आपका क्या हो गया, लॉग के टू अपॉन के वन आ गया. तो अब मैं आपका इस लॉग के टू माइनस लॉग के वन की जगह पर मैं आपका लिख दूंगी लॉग के टू अपॉन के वन. ठीक है, अब हम आपका राइट हैंड साइड को इक्वेशन का सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अब इक्वेशन का जब हम आपका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगी तो ये वाला माइनस इन दोनों टर्म के साथ आपका जाएगा, तो ये वाली नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी. तो इस माइनस साइन को अब हम आपका खोल रहे हैं और ब्रैकेट हटा रहे हैं. ये वाले का भी ब्रैकेट हटाएंगे, ये ऊपर वाली जो फर्स्ट ये पहली दो टर्म्स है इसका भी ब्रैकेट हटाएंगे, और लास्ट वाली इन दो टर्म्स का भी आपका ब्रैकेट हटाएंगे. तो ये आ गया आपका माइनस, पहले मैं आपका ये वाला टर्म लिख रही हूँ, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू प्लस लॉग ए प्लस, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन. अब ये वाला प्लस आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर वाला माइनस जब अंदर जाएगा आपका तो इस प्लस को माइनस बना देगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ए, माइनस लॉग ए. तो ऐसा करने से माइनस लॉग ए और प्लस लॉग ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा लॉग के टू अपॉन के वन किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू प्लस ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म. तो प्लस करके अब ये वाला टर्म लिखेंगे ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन, ये आ गया आपका. ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा से एक बार ऊपर की तरफ ऊपर लिख देती हूँ आपका यहाँ पर. तो इस इक्वेशन को दोबारा से मैं आपका यहां लिख रही हूं, ये आपकी क्या है लॉग के टू अपॉन, ये आपका है लॉग के टू अपॉन के वन किसके बराबर है, इज इक्वल में है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू, ये वाली टर्म हमने लिखी, प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं इन दोनों टर्म्स को सॉरी नॉट इक्वेशंस को अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखूं तो यहां पर ई ए अपॉन 2.303 आर ये वाली टर्म आपकी क्या आ रही है, कॉमन आ रही है इन दोनों टर्म्स में से. ठीक है, तो ई ए अपॉन 2.303 आर मैं कॉमन ले लूंगी तो आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 यही आएगा आपका. और लेफ्ट हैंड साइड हमने एज इट इज कॉपी कर ली. ठीक है, और इसको हम आपका ऐसे भी लिख सकते हैं ई अपॉन 2.303 को हम आपका एज इट इज कॉपी कर देते हैं. तो ई अपॉन 2.303 आर को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया इनटू, अब मैं इस वाले पार्ट का आपका एलसीएम ले सकती हूँ.
तो उसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा टी वन टी टू, ऊपर आ जाएगा टी टू माइनस टी वन। तो आपकी ये जो इक्वेशन है आपकी, ये आपकी इक्वेशन नंबर फिफ्थ है और ये आपकी इक्वेशन नंबर सिक्स है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन याद कर सकते हो, इक्वेशन नंबर फिफ्थ याद कर लो चाहे आप इक्वेशन नंबर सिक्स याद कर लो, ठीक है। तो आपको ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये आपकी न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ नहीं किया, हमने इक्वेशन फिफ्थ का जो ये ब्रैकेट वाला टर्म था उसका एलसीएम ले लिया और उससे हमने आपकी इक्वेशन नंबर सिक्स बना ली। तो ये इक्वेशन नंबर फिफ्थ और सिक्स दोनों में से कोई एक इक्वेशन आपको याद करनी होगी क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे और न्यूमेरिकल्स ज्यादातर इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड आपके आते हैं। एक तो आपका इस सेकेंड इक्वेशन पर बेस्ड आते हैं न्यूमेरिकल्स, एक आपका इस फर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, या फिर आपका फिफ्थ इक्वेशन पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आते हैं। फिफ्थ या सिक्स दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप लर्न कर सकते हो, दोनों एक ही है एक्चुअल में इक्वेशंस, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको न्यूमेरिकल्स के लिए पता होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर ये टू पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, और तीसरी आपको इन दोनों में से इक्वेशन नंबर फिफ्थ और सिक्स में से कोई भी एक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इस इक्वेशन के अंदर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टिवेशन एनर्जी आप जूल्स में रिपोर्ट करोगे, आर की वैल्यू आप 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल लोगे और टेम्परेचर्स आप केल्विन में लोगे। क्लास कई बार बच्चे न्यूमेरिकल्स करते हुए ये मिस्टेक करते हैं, टेम्परेचर आपका न्यूमेरिकल में डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन होता है और वो वैल्यू टी वन और टी टू की डिग्री सेंटीग्रेड में ही पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, वो गलत है, उससे आंसर गलत आएगा। आपको पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, फिर उस वैल्यू को आपका पुट करना है आपको फॉर्मूले के अंदर। तो टेम्परेचर हैज टू बी रिपोर्टेड इन द केल्विन। कैपिटल आर की वैल्यू आपको 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल लेनी है और एक्टिवेशन एनर्जी आपकी जूल्स पर मोल के अंदर आपकी आएगी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया है आपका, ठीक है। तो ये और कई बार आपके न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हमने टेम्परेचर जो है आपका रिएक्शन था वो 400 था, हमने उसे 430 किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन ट्रिपल हो गई। तो अगर रेट ऑफ द रिएक्शन ट्रिपल हो गई तो इसका मतलब उसका रेट कांस्टेंट भी क्या हो गया होगा, ट्रिपल हो गया होगा। तो यानी कि उस केस में K2 अपॉन K1 की रेशियो आपको क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपको ये बोला जा रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डबल या ट्रिपल बोली जा रही है आपको, ठीक है, तो उस केस में आपको एक्चुअल में वो डबल या ट्रिपल यानी कि 2 और 3 आपका एक्चुअल में K2 अपॉन K1 का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो ये चीजें आपको न्यूमेरिकल्स करते टाइम आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। सो विद दिस मेरा ये वाला आपका वीडियो सारा वाइंड अप हो गया है। तो हमने देख लिया आर्गेनियस इक्वेशन को, आर्गेनियस इक्वेशन ने आपका बताया कि किस तरीके से रेट कांस्टेंट आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है आपका, ठीक है। फिर उस आर्गेनियस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने और हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई, फिर उसको मॉडिफाई करके हमने आपकी इक्वेशन नंबर 5th और 6th लेके आए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद होनी चाहिए, क्लियर। सो विद दिस मेरा ये वाला वीडियो यहीं खत्म होता है, ठीक है।